Now we will start exercise 9E. Question number 1. Write the following dates as done in the first. हम आपको यहाँ पे dates से रख के उनको अपन को टू वे में लिखना है. 1 June 2007, इसको हम कैसे लिखते हैं? 1/June कौन सा मंथ होता है? 6 month/2007. एक ऐसे वे में लिख सकते हैं. सेकेंड वे क्या होगा? 1-6-2007. यहाँ पे स्लैश करा है, यहाँ पे डैश करा है हमने. 13 October 2006, तो 13/October कौन सा मंथ होता है? 10/2006. 13-10-2006. टू वे में हमारे को डेट्स को लिखना है, ठीक है ना. सेकेंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग डेट्स. इसमें भी फॉलोइंग डेट्स लिखनी है. अब हमारे को ऐसे दे रखी है, उसको अपन को ऐसे वे में लिखना है. स्लैश और डैश दे रखा है, अपन को उसको मंथ को पूरे में लिखना है. 12/3/2005. 3 कौन सा मंथ होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च. तो 3 March 2000, यहाँ पे 12 आएगा, नॉट अ 3rd, मिसप्रिंट है, यहाँ 12 आ जाएगा. 12 March 2005. 6/6/2001, तो कैसे लिखें? 6 June. 6 कौन सा मंथ होता है? जून का. 2008. 1/10/2007. 10 कौन सा मंथ होता है? अक्टूबर. तो 1 October, comma 2007. 13/11/2009. 11 कौन सा मंथ होता है? नवंबर. तो 13 November 2009, ठीक है ना. इसमें हमारे को ऐसे फुल डेट दे रखे, अपन को स्लैश और डैश करके लिखनी है. इसमें अपन को स्लैश और डैश दे रखी, इसको अपन को फुल करके लिखना है. ओके, नाउ टर्न योर पेज. एक्सरसाइज 9F. फाइंड द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइम. ड्यूरेशन हमारे को इनको टोटल करके यानी प्लस करके बताना है टाइम को, ठीक है ना. इसमें अपन को पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं. अपन इसमें क्या करना है? 2 hours 40 minutes, 4 hours 5 minutes. तो हम इसको प्लस कर लेंगे. 0 + 5 = 5, 4 + 0 = 4, 2 + 4 = 6. तो क्या आ जाएगा? 6 hours 45 minutes. सेकेंड वाला है 7 hours 35 minutes, 2 hours 50 minutes, 5 + 0 = 5, 3 + 5 = 8, and 7 + 2 = 9, 9 hours 85 minutes. जब मोर देन 60 minutes, हमारे वन आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 1 hour = 60 minutes. मोर देन 60 आ जाता है, तो हम यहाँ 60 यहाँ से माइनस करके 60 माइनस कर लेंगे, आगे वाले में हाथ में 1 ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 - 0 = 5, 8 - 6 = 2, और यहाँ 9 + 1 = 10. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9F. 4 hours 20 minutes एंड 2 hours 15 minutes. इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. 4 hours 20 minutes एंड 2 hours 15 minutes. 0 + 5 = 5, 2 + 1 = 3, 35 minutes हो गया. एंड हाँ, 4 + 2 = 6, 6 hours. आंसर इज 6 hours 35 minutes. यहाँ मोर देन 60 नहीं है, तो ऐसे एज इट इज ही रहेगा. हम यहाँ करेंगे 3 hours 30 minutes एंड 4 hours 56 minutes. इन दोनों को साथ में लिखेंगे. 3 hours 30 minutes एंड 4 hours 56 minutes. प्लस करेंगे 0 + 6 = 6, 3 + 5 = 8, 85 minutes, सॉरी 86 minutes, एंड 3 + 4 = 7 hours. अब 86 minutes वन से ज़्यादा हो गया ना, 60 minutes से ज़्यादा हो गया. तो हम क्या करेंगे? जब मोर देन 60 आ जाता है मिनट्स में, जब मोर देन 60 आता है मिनट्स में, तो यहाँ से 60 माइनस कर लेते हैं और यहाँ हार्स में 1 प्लस कर देते हैं. यानी हमने हार्स को 1 दे दिया, आगे वाले को 1, अपन ने हार्स को 1 दे दिया. यहाँ से 60 माइनस कर लिया. 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं, इसलिए हमने मिनट्स में से 60 माइनस करके यहाँ 1 hour दे दिया. 6 + 0 = 6, 8 - 6 = 2. यहाँ माइनस करना है. 6 - 0 = 6 आ जाएगा, 8 - 6 = 2, और यहाँ प्लस करना है 7 + 1 = 8. आंसर इज 8 hours and 26 minutes. यहाँ हमने 60 यहाँ प्लस करने पे आया 7 hour 86 minute.
हमने यहाँ 60 इसलिए माइनस करा क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स ही होते हैं, तो यह मोर देन 60 आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 60 माइनस करके आगे वाले को हार्स को 1 ऐड कर देंगे, हार्स में 1 ऐड कर लेंगे, यानी हम मिनट्स को मिनट से हार्स में जा रहे हैं, तो 60 मिनट्स यहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ 1 ऐड कर लेंगे। तो 6 में से 0 माइनस किया 6, 8 में से 6 माइनस किया 2, और यहाँ प्लस कर लिया 7 प्लस 1 8, 8 आवर्स 26 मिनट। ओके,